तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म 2024 के ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक में बीसीईसी के आवेदन फॉर्म जारी किया गया दोस्तों, जिसमें आप बिहार पॉलिटेक्निक के कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप किस तरह से आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आवेदन करने से पहले इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको प्रदान करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फी भी लगने वाली दोस्तों, जो यहां पे देख सकते हैं PEPM या PMM के एप्लीकेशन फी है दोस्तों, जिसमें देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए ₹750 लगेगा दोस्तों। और वहीं पे देख सकते हैं SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं ₹480 लगने वाली दोस्तों। और वहीं देख सकते हैं PE और PM या PMM के लिए देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए ₹850 है। और वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ₹530 लगने वाले दोस्तों। वहीं देखिए तीनों पाठ्यक्रम के लिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए ₹950 लगेगा दोस्तों। वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ₹630 लगने वाले दोस्तों। यहाँ पे देखिए आयु सीमा के बारे में जानकारी दिया गया दोस्तों, यानी कि एज लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया है। जो PE के लिए देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी एज लिमिट नहीं है। PMM के लिए देख सकते हैं दोस्तों, 15 से लेकर 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। और PM के लिए देख सकते हैं दोस्तों, 17 से लेकर 32 वर्ष के बीच होना चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं 12 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 11 मई 2024 तक चलने वाली दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पॉलिटेक्निक में फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो PE के लिए देख सकते हैं केवल 10वीं पास अगर किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस वर्ष भी 10वीं पास किए हैं 2024 में, तो भी आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। वहीं देखिए PMM के लिए अगर 10वीं उत्तीर्ण किए हैं तो भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और PM के लिए अगर आप 12वीं पास किए हैं तो भी आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चाहे तो 2024 में अगर 12वीं पास किए तो भी आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जानकारी देते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल से किस तरह से आवेदन कर पाएंगे। तो आप वीडियो मन तक बने रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्म खुल चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पहले में PE है दोस्तों, यानी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो ऊपर वाले और नीचे वाले कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं PMM कर सकते हैं दोस्तों, पारा मेडिकल मैट्रिक या नीचे वाला हो सकता है दोस्तों। उसके बाद अगर आप इंटर भी पास किया तो ये वाला कर सकते हैं दोस्तों, PM यानी कि पैरामेडिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसी के बारे में अपने अनुसार जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो भी सेलेक्ट करना आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम डालना होगा दोस्तों, फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम राजू कुमार है तो फर्स्ट में राजू डालना होगा दोस्तों और लास्ट में यहाँ पे कुमार डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से आपको नाम डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपका नाम को कन्फर्म करना होगा दोस्तों, फिर से दोबारा इसी में डालना होगा दोस्तों, राजू कुमार। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, कैलेंडर से अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर से डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों, आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पे OTP डालकर जैसे सबमिट कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल ID मांगा जा रहा है दोस्तों, ईमेल ID पर भी एक OTP भेजा जाएगा दोस्तों। जैसे ही ईमेल ID पर OTP डालकर सबमिट कीजिएगा तो ईमेल ID भी वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ईमेल ID का OTP डालना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, अपने अनुसार यहाँ पे पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें लोअर की अपर की @ यानी कि फंक्शनल की होना चाहिए दोस्तों, कोई संख्या होना चाहिए। अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 8 अंक से होना चाहिए दोस्तों, अधिकतम से अधिकतम जितना रख सकते हैं तो कम से कम 8 अंक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट को दोबारा कन्फर्म करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा दोस्तों, अपना आधार नंबर डालिए दोस्तों सही से। डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, अपने अनुसार उसका आंसर यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी पिन डालना होगा, यानी कि यहाँ पे कैप्चा डालकर यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सभी जानकारी को सही से फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आपने जो जानकारी दिया है लगता है आपको अगर सही है तो यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, अगर लगता है कि गलत है तो फिर से कैंसिल पर क्लिक कर एडिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन पर क्लिक करना होगा दोस्तों, फिर से आपको अगले पेज पर यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लॉगिन वाले ऑप्शन में आपका ईमेल ID डालना होगा दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाले थे। यहाँ पे पासवर्ड जो क्रिएट किए थे दोस्तों, अपर की और लोअर की लगाकर वो पासवर्ड क्रिएट किए थे, वो यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। उसके बाद कैप्चर फिल कर साइन इन पर क्लिक करना होगा दोस्तों।
यहाँ पे देख सकते हैं, लॉगिन करते ही आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। आपने जो भी नाम वगैरह डाले थे वहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डालना होगा दोस्तों, अपने अनुसार यहाँ पे डालिएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट के अनुसार सही से। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपसे मदर नेम यहाँ पे मांगा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप परमानेंट बिहार का निवासी है, अगर है तो यस करिए, अन्यथा नो पर रहने दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेसिडेंट आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, जिसमें देख सकते हैं माता पिता बिहार का कुल निवासी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट करना होगा, अगर आप निवासी हैं तो, अन्यथा नो पर रहने दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, आप मेल है या फीमेल है अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फिर से जेंडर को कंफर्म करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कैटेगरी को फिर से दोबारा कंफर्म करना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या आपका फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख से कम है या अधिक है, तो कम है या अधिक अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर कम है तो कम नो कीजिए, अधिक है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यस करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं कोटा का सदस्य है, तो यहाँ पे है तो यस करिए, अन्यथा नो पर रहने दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या आप सर्विसमैन है, कोई सर्विस करते हैं, तो यस कीजिए, अन्यथा नो पर फिर रहने दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो अपना अनुसार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपका बॉडी में तिल या मार्क का निशान है, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए दोस्तों, अन्यथा नो मार्क करके छोड़ दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा दोस्तों लाइन बाय लाइन। अगर आप विलेज में रहते हैं तो सबसे पहले विलेज डालना होगा दोस्तों, उसके बाद पोस्ट डालना होगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस डालना होगा, उसके बाद इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर सेम पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसमें आपको फोटो एंड सिग्नेचर डालना होगा दोस्तों। सबसे पहले फोटो डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सिग्नेचर डालना होगा, जिसमें इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गाइडलाइन दिया गया फोटो एंड सिग्नेचर का, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो का गाइडलाइन है दोस्तों, जिसमें फोटो का क्वालिटी 100 KB से कम में होना चाहिए दोस्तों, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिक्सल दिया गया है, जो 200 पिक्सल × 250 पिक्सल आपको करना होगा दोस्तों। उसके पास देख सकते हैं सिग्नेचर का भी देख सकते हैं गाइडलाइन है दोस्तों, जो 100 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिक्सल 300 × 100 होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी सिग्नेचर का भी सेम वही गाइडलाइन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फोटो का गाइडलाइन कुछ अलग प्रकार से यहाँ पे दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको फोटो होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद फोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए दोस्तों, आप इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसको नीचे डेट लिखना होगा दोस्तों, फोटो खिंचवाने का जो डेट होना चाहिए दोस्तों, यहाँ जो फोटो का डेट डालिएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1/1/2024 से पहले नहीं होना चाहिए दोस्तों, 1/1/2024 के बाद होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से अपना फोटो को बनाकर वहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों, 100 KB से कम में JPG फॉर्मेट में। फोटो एंड सिग्नेचर को पूरी तरह से सही प्रकार से अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर कंटिन्यू करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है दोस्तों, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट किए हैं अपने अनुसार यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैट्रिक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल कितना मार्क मिला है यहाँ पे डालना होगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल मार्क डालना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद सभी प्रकार से सही जानकारी फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको अगले पेज पर यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा दोस्तों। अगले ऑप्शन में आपको फॉर्म प्रीव्यू करने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, आपने जो भी जानकारी फिल किए हैं अगर लगता है सही है, तो आप आगे जा सकते हैं दोस्तों, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा एडिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के सहारे से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अपने अनुसार यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा दोस्तों। पेमेंट जैसे ही कीजिएगा, तो आपके सामने फॉर्म सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, आप प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर पाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब की जानकारी के साथ।